का जो सेशन था, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बड़ा ही अच्छा सेशन था। आपने बड़े अच्छे तरीके से डिलीवर किया चीज़ों को, और कोर्स कंटेंट भी बड़ा कंपोज्ड और स्पेसिफिक था, जो कि लर्न करना चाह रहे थे वही चीज़ें उसमें आपने डाली हुई थी। तो सबसे पहले तो हमने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट्स और एक इंडस्ट्री के लिए जो नीड है मेंटेनेंस की, उसको समझा कि उसकी नीड क्यों है और उसको हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, अपने लोगों का बिहेवियर कैसे चेंज कर सकते हैं, अपनी जो मशीन रिलेटेड या कंपोनेंट्स थिंग्स रिलेटेड जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को समझने के बाद हमने अपनी स्ट्रेटजीज़, अपने गोल्स को डिफ़ाइन किया है और उसी बेस के ऊपर मेंटेनेंस की स्ट्रेटजीज़ जो जो हम अप्लाई कर सकते हैं एक जगह के ऊपर या एक अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट या एनवायरमेंट, तो उसको हमने समझा है। तो इसके अंदर जैसे TPM आ गई, आपकी प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, तो ये चीज़ें हमने इसको बेसिकली इसी को कवर किया है। और लास्ट पे जो हमने ये देखा है कि उसकी एनालिसिस कैसे करना है, डेटा का कलेक्शन करनी है, उसको एनालाइज कैसे करना है और फिर उसको इन्फॉर्मेशन में या जो के एक कंक्लूजन में कैसे हमने उसको लेके आना है। तो ये चीज़ें हमने देखी हैं कि बेंचमार्किंग सेट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हम किधर खड़े हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो यही सर, पाकिस्तान की में जो इंडस्ट्री है उसमें मेंटेनेंस डिपार्टमेंट रफली ऑन एवरेज कितने परसेंट डिपार्टमेंट ऐसे हैं इंडस्ट्री के जहां आप समझते हैं कि मोर देन 50% ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है? नॉट आपकी इंडस्ट्री, अब टेक्सटाइल में जैसे बता रहे हैं मसले है, बहुत है, स्टील है बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, फीड मिल रहे हैं फोरमैन चला रहे हैं, इंजीनियरिंग कल्चर नहीं है, सॉफ्टवेयर नाम की कोई चीज़ जानते भी नहीं, प्रोडक्टिविटी क्या होगी जहाँ पे इफेक्टिवनेस मेजर नहीं कर सकते आप, सिस्टम ही नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए स्टार्टिंग पहला स्टेप? अगर ये कल फैक्ट्री में जाके अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं यार, हम आपकी कंपनी के लेवल पे आना चाहते हैं, पहली चीज़ क्या करें? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मेरा बेस्ट नॉलेज है इसके अकॉर्डिंगली कि इनको एक पॉलिसी डिफाइन करनी पड़ेगी कि हमने जाना कहाँ पे, एक गोल सेट करना है और फिर उस गोल्स के आपने छोटे छोटे माइलस्टोन्स बनाने हैं कि फर्स्ट आपने कौन सा इंप्लीमेंट करना है, सेकंड कौन सा करना है, और उसी की बेस के ऊपर आपने अपने ट्रेनिंग्स को अलाइन करना है चीज़ों के साथ। तो इसमें जो सब बड़ी अच्छी बात जी हो ना, सॉरी आपकी बात काटी है, बड़ी अच्छी बात तो ये है कि जिस मैनेजमेंट ने आपको ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए भेजा है इसके अंदर उनके अंदर कुछ अर्ज है कि हम अपने सिस्टम में कोई इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, सिंपल इज डैट। तो इसका मतलब है कि अब गोल आपके कोर्ट में है, यू हैव टू किक इट आउट, अदरवाइज अगर आप यहाँ तक रहेंगे यार मुझे भेज दिया तो अब मैं क्या करूँ, तो वो एक तो आप भी स्टैग्नेशन स्टेज पे चले गए, दूसरा जिसने भेजा है आपने उसका मोटिवेशन जो है ना उसको ऑलमोस्ट किल कर दिया कि वो नेक्स्ट ना भेजे, उसका एडवांटेज नहीं है। तो यहाँ पर हमने जो कुछ देखा है आपने उसको पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप करें, छोटे छोटे स्टेप्स में लेके चलें, उसकी प्रेजेंटेशन और उसकी फिजिबिलिटी बना के सीनियर का शेयर करें, और सबसे ज़रूरी चीज़ है जिन टीम मेंबर्स को लेके आपने चलना है उनको कॉन्फिडेंस में लेके बताएं कि इसके अल्टीमेटली जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारे लिए बेनिफिटेड हैं और बेनिफिशियल हैं, अगर नहीं कर पाएंगे उसी पॉइंट पे हम रहेंगे और थोड़ी सी किसी भी गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, और उसमें जब तक टीम वर्क मैं कह ड्रॉप कर दूँ तो बाकी 10 खिलाड़ी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे, तो वो एक कैच जो ड्रॉप हुआ था उससे टीम हार गई थी, एक कैच जो आसफ का इंडिया के खिलाफ हम कैच ड्रॉप कर दिया उन्होंने, वो जो सिंह था जिसने ओवर भी बड़ा शानदार बाद में करवाया, लेकिन उसने एक कैच ड्रॉप किया तो इंडिया की टीम हार गई थी, 29 स्कोर चाहिए थे 2 ओवरों में, इट्स ए बिग टास्क, और इंडिया के खिलाफ 29 स्कोर नहीं हो सकता 2 ओवरों में आम टीम के, लेकिन वो एक कैच ड्रॉप नहीं कर दिया था। तो पूरी की पूरी टीम को आपको छोटी सी एक्टिविटी में कॉन्फिडेंस में लेकर चलना पड़ता है, आपको हार्ट विन करके ही ये गेम कर सकते हैं, चाहे जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी आपके पास है, जितने मर्जी टूल हैं, लेकिन हार्ट विनिंग के बगैर नहीं है। तो उनको साथ लेके चले, यहाँ पे हमने ट्रेनिंग ली है, शेयर किए एक दूसरे के साथ, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है गुरम साहब की कि ये सारे जो अपने इंटर ट्रेनिंग हैं उनके व्यूज़ शेयर करते हैं, उनसे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और जो एलैबोरेट कर रहे होते हैं उसमें भी ये चेंज करते हैं, यानी कि इन्होंने एक
लाइन बॉटम लाइन ड्रा की हुई है उसी के ऊपर एम्फिसाइज करते जाते हैं, तो उनको लेके चलते हैं, तो अल्टीमेटली एक टीम वर्क को ये भी लेके जा रहे हैं, इसी को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने सिस्टम में जाके और उसी को लेके आगे भी चल सकते हैं। मोस्टली हम भी ऐसे करते हैं जो इनसे ट्रेनिंग करके बच्चे जाते हैं, हम उनको एक असाइनमेंट दे देते हैं, इनकी जैसे असाइनमेंट वो अपने डिपार्टमेंट में फिर जाके ट्रेनिंग देते हैं। इसका अल्टीमेटली एक रिजल्ट तो जरूर निकलता है कि जो यहाँ से बंदा ट्रेनिंग कर जाके सारे चीज़ें दोबारा पढ़ता है कि मैंने अब ट्रेनिंग, जिसने पढ़ाना है ना उसने पहले पढ़ना है फिर वो आगे देता है ट्रेनिंग, तो रिजल्ट मिलता है और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। और सेकंडली छोड़े ना, काम को छोड़े ना, करते रहे, कहीं ना कहीं सक्सेस मिल जाती है, और वो सक्सेस अगर इंडिकेट हो जाए किसी के सामने आ जाए तो वो सारे फिर उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, यार ये नेक्स्ट टाइम मैं अंदर से ज़रूर करते हैं, ऊपर से ना करें। एप्रिशिएट जैसे मैंने एग्जांपल दी वो प्रोडक्शन मैनेजर कहता है कि अब हम स्कूल से, जबकि वो बहुत मुखालफ था इन चीज़ों के, उसको कहना पड़ा कि यार अब ऐसा सीन नहीं होता, क्योंकि उससे रिजल्ट मिले तो अच्छी चीज़ों के रिजल्ट मिलते हैं। ग्रेट सर, मैं यही बात कर रहा था कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ना आपको कल्चर चेंज का एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसके ऊपर आपको टाइम लगता है। सिस्टम भी इन प्लेस होगा, चीज़ें भी सारी इन प्लेस होंगी, लेकिन ये कि लोगों को इस बात के ऊपर एग्री करना है कि वो एज इट इज़ काम करें जैसे आपने सिस्टम डिवेलप किया, तो इसके लिए आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा, मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, उनके मसाइल को समझना पड़ेगा, फिर एक कॉमन जो सोल्यूशन लेके आना पड़ेगा जिसके ऊपर हर बंदा एग्री करेगा। तो ये एक बड़ा टाइम टेकिंग और स्ट्रगल वाला काम है जिसको आपने रिफ्रेशर करते रहना है बार बार।